इलेक्ट्रिक फील्ड तक खत्म कर लिया था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी को आता होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर रिवाइज करें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझने में आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमें ये पता है कि अर्थ की सरफेस के पास यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मतलब जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ हर एक चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है। तो सपोज हम अर्थ की सरफेस पर हैं, किसी भी जगह अर्थ की सरफेस फ्लैट होती है, तो मैं एक फ्लैट सरफेस बना लेता हूँ, अर्थ की फ्लैट सरफेस। तो सपोज दिस इज द फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ। फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ हो गई। और इस फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर एक एम मास का पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के चारों तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी चीज आती है तो अर्थ उसको पुल करती है। तो अर्थ एम जी फोर्स से पुल करती है। सो दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, यू कैन से फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ओके, अच्छा, अब इस पार्टिकल को अगर तुम्हें अर्थ की सरफेस से सपोज यहां पर ले जाना है, ये पार्टिकल की इनिशियल लोकेशन है और ये फाइनल लोकेशन है। तो अगर एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको ले जाने के लिए हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। एज्यूम करो कि एक्सटर्नल जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है, दोनों फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हैं और इस पार्टिकल को इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे ले जा रहे हैं। ये इनिशियल लोकेशन है, ये फाइनल लोकेशन है। ठीक है, और इनिशियल लोकेशन पे या तो स्लोली ले जा रहे हैं, बहुत स्लोली, या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो चीज कर सकते हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के फोर्स के बराबर होगा, और अर्थ के सराउंडिंग में पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो अर्थ का फोर्स एम जी के बराबर लगेगा। तो या तो ये बहुत स्लोली चल रहा है, वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो है ताकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहे, ठीक है, और या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी कर सकते हो। नाउ सपोज तुमने इसको यहां से यहां एच हाइट ले गए, एच हाइट, एच हाइट, तो इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे एच हाइट तक ले गए और स्लोली ले जा रहे हैं। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? यहां पे एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ एक्सटर्नल। लेट मी यूज द पिंक कलर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मैंने पिंक कलर से दिखाया।
So work done by external force is equal to क्या हो जाएगा, external force into h height लेंगे. External force की value mg के equal है अगर अगर ये velocity constant है या slow है. Velocity is approximately equal to zero या velocity constant है, इसकी velocity change नहीं कर रहा, बहुत slowly ले रहा है. Okay? उस केस में एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली एम जी के इक्वल होगा एंड दिस डब्ल्यू एक्सटर्नल. तो एक्चुअली में ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो यहां पर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना. एक्चुअली में एक और कॉन्सेप्ट डिफाइंड होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हर जगह ऐसे ही होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यानी पहला कॉन्सेप्ट जो डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एग्जैक्टली यहां पर किसके इक्वल होगा, एम जी एच के इक्वल होगा. एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच के. तो इसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी अर्थ की सरफेस से यहां तक ले जाने में द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, और दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन. तो एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो क्या करेगा, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो इस कंसेप्ट को याद रखना है. तो जो बेसिक कंसेप्ट है ये, अगर तुमने शुरू से पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है, मगर एक कंडीशन है, इसको बहुत स्लोली ले जाना है. तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. और सेम डेफिनेशन हर जगह लगती है. तो हमने क्या डिफाइन किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. Change in potential energy is equal to work done by external agent. तो किसी भी केस में जो work done by external agent होगा, that will stored in the form of potential energy, that will change the potential energy of particle. ठीक है, तो same concept हम हर जगह लगा सकते हैं, similar concept. तो general formula यही हो गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, जस्ट रिमेंबर इट. दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. Okay, I hope you got it. अब यहां पर एक कंडीशन है कि हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है वो कांस्टेंट है. यहां पर अगर अर्थ की सरफेस के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा. सिमिलर तरह की चीज तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन कर सकते हो, है ना. जैसे अगर इसको हम न्यूमेरिकली भी देख लें थोड़ा सा एग्जैक्टली, जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर m की वैल्यू मान लो 2 kg है और g की वैल्यू 10 meter per second square. ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो दैट इज
और ये कितना हाइट ट्रेवल करता है, सपोज करो ये कोई भी हाइट ले लो, सपोज ये हाइट हो गई 3 मीटर की हाइट ट्रेवल करता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी एच 2 × 10 इंटू हाइट कितनी हो गई 3 मीटर, ठीक है, तो ये 60 joules, 60 जूल्स की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ओके? अब सपोज करो इसी तरह की सिमिलर कंडीशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई, तो इसको समझाने के लिए सपोज एक मैं चार्ज की शीट लेता हूं, सिमिलर तरह का कंसेप्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाना है, ये चार्ज की शीट ले ली मान लो, ठीक है, और एज्यूम करो ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आई थिंक आई होप दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की शीट है, लग नहीं रही मगर इसको चार्ज शीट कंसीडर करो, चार्ज शीट, चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है, तो इस चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और कांस्टेंट होगा, इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में होगा, मतलब यू कैन से कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटायर रीजन में होगा। मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ, और अब जैसे नए पैटर्न के हिसाब से सब कुछ ढंग से समझना है तो वो चीज के दिमाग में होनी चाहिए। मैं वेट अ सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, थोड़ा मोटा हो गया थोड़ा सा पतला कर दो, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बहुत सारी होंगी मगर इतनी दिखा नहीं रहा मैं, ठीक है, तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विडिस्टेंट होगी, मतलब ये ऐसे इनके बीच का गैप फिक्स होगा, मैं ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं दिखा रहा हूं नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिमिलर तरह का कंसेप्ट है जैसे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर था, एम जी के बराबर था, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां भी कुछ ऐसे ही होगा, सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, मान लो 2 newton per coulomb ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बढ़ चुके हो, ठीक है, 2 newton per coulomb ले लेते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस चार्ज की जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग, इट इज बेटर कि चलो 1 coulomb ही ले लेते हैं, 1 coulomb का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 1 coulomb का चार्ज, ठीक है, अब क्या होगा, 1 coulomb का पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पे, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगता है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू, डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू F is equal to कितना होता है, Q into E, uniform electric field, ठीक है, charge 1 coulomb,
इंटू टू न्यूटन पर कूलम, तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, दिस इज फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है, अगर हमें इसको ऊपर ले जाना है ना, यहां से कहीं सरफेस से, इनिशियली ये कहीं भी हो सकता, मान लो ये सरफेस से कहीं या किधर से भी किधर ले जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कितनी भी डिस्टेंस ले जा सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। सपोज करो इसको जैसे ये पार्टिकल है, इसको कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं, ये मैं यहाँ दिखा दूँ, वेट अ सेकंड, कुछ और बना लेता हूँ, ये इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऊपर नीचे कहीं चलाते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे भी चला सकते हो, किसी तरह से भी चला सकते हो, ऐसे भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को डाउनवर्ड पुल करेगा, जैसे ये पुल कर रहा है, अब अगर हमें इसको ऊपर ले जाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये कहीं पे भी लग रहा है। जैसे यहाँ पे भी होगा ये फोर्स इधर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो इस पूरे को भी ले सकते हैं ऐसे, ये ऐसे है ना, ये ऐसे इस तरह से लग रहा है, हाँ ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे, तो अगर मुझे इसको, और ये किसी भी जगह पे देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो किसी भी जगह पे लगेगा, किसी भी पॉइंट पे लगेगा, ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है, अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट को इसे ऊपर ले जाना है, तो उसे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करिए, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। और यहां पर एक चीज और समझ लो, पोटेंशियल का कंसेप्ट समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए, जो कि नए पैटर्न में स्पेशली दिया है कि हर चीज को समझोगे और अब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन पे बेस्ड बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हर चीज को समझने की कोशिश करो। मैं पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर लगा के ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीलिंग देने की कोशिश कर रही है। एक मैसेज, कौन सा टॉपिक सर, कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक फिजिक्स, फिजिक्स में कोई नहीं होता, ये बेसिकली मैं बताऊं, ये कंसेप्ट ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है। मतलब अगर तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में पढ़ा है तो सिमिलर कंसेप्ट तुम 12th क्लास में लगाओगे। तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कई जगह लगेगा, ये जो कंसेप्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट जगह लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तुमने 11th क्लास में ठीक से पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिमिलर तरह की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू कैन से कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक का नाम देना है तो ले सकते हो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मगर हम इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ समझेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, मगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको कहीं भी इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आई थिंक अभी तक तुम्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस ढंग से आता है ना, सभी को इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस ढंग से आता है तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, हर जगह यूनिफॉर्म ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल, देखो मैंने एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया, ये कोई बाहर का आदमी लगा रहा होगा, ठीक है। और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है
वो बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए भी समझाई जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज इन, यानी सबसे पहले ये समझ लो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो कंसेप्ट है वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी समझाया जा सकता है, मगर वो फिर दिमाग में हमारा बैठता नहीं है, वो कुछ मतलब अजीब सा वो दिमाग में फिट नहीं बैठ पाता है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरह दिमाग में फिट बैठती है कि एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मगर इस तरह से समझने के लिए एक चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी हम डिफाइन कर सकते एग्जैक्टली बराबर। तो एग्जैक्टली बराबर तब हो सकता है, एग्जैक्टली बराबर कब हो सकता है, जब या तो हम इस पार्टिकल को बहुत स्लोली धीरे धीरे ले जाएं, है ना, या तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेट करेगा तब एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, या तो इसकी वेलोसिटी जीरो है या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तब भी नेट फोर्स जीरो होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। सपोज करो तुमने इसको एक मिनट इसको ऊपर यहां से यहां खिसका दिया, ठीक है, और ये कहीं से, जरूरी नहीं कि सरफेस से हम ले जाए, कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, कहीं से भी कहीं, और ऐसे टेढ़ा भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे टेढ़ा भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं सीधा ले जाता हूँ इसको, और यहां पर है ये एक्जेक्टली, तो सपोज करो ये थोड़ा दूर बनाता हूँ, नहीं तो मुझे सपोज करो यहाँ से ये कुछ 5 meter की डिस्टेंस पर है एग्जैक्टली, एंड फिर इसको मैं पूरा सेलेक्ट हो गया सॉरी यस, फिर मैं इसको कुछ 8 meter की डिस्टेंस पर ले जाता हूँ, ठीक है, 8 meter की डिस्टेंस पर ले जाता हूँ। सो 5 आई थिंक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं ग्राफिक्स का बढ़िया यूज कर रहा हूँ, 8 meter के डिस्टेंस पे। तो एक्जेक्टली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो सीधा तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ पे जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा एग्जैक्टली, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आई होप यू आर गेटिंग, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 degree है। तुम्हें 11th क्लास का फॉर्मूला पता होगा, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी और कॉस थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मेरी कोई गलती नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है एग्जैक्टली। तो 11th फिर से पढ़ूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला अब यहाँ पे तो बेसिक से नहीं बता सकते, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, और अगर ये तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, तो फिर मतलब सिचुएशन ऐसी है कि 11th का पढ़ो फिर 12th का पढ़ो। फिलहाल तो ये मान के चलता हूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, ये तो छोटे क्लास में भी होता है, एफ डी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 degree है। तो ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो गया, फोर्स मतलब ये हमने ये बोल रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 newton के बराबर आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 853, ये थोड़ी 853 सॉरी मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 minus 53 डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 6 joule का एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा, 6 joule का, ठीक है। तो 6 joule का यानी इसमें इसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो 6 joule हो जाएगी, यानी इस पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में, 5 meter से 8 meter तक ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 joule के बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें एक चीज और है, इसको हम कैसे भी ले जाए फर्क नहीं पड़ता, इसको हम
अगर ऐसे भी ले जाए, टेढ़ा भी ले जाए, क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करने में एक साइन यहाँ पे रह गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर टेढ़ा भी ले जाए तो वर्क डन के लिए हमेशा क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो फोर्स तो ऊपर की तरफ है, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डी के बराबर ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर समझोगे तो मैं समझाता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ गया, सपोज करो इधर से यहाँ पे था और मैं टेढ़ा ले जाता हूँ ऐसे, ऐसे है ना, तो यहाँ से यहाँ ले गया, तो यहाँ से यहाँ पे ले गया, समझना, यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पे ले गया, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कैसे होगा। सो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है, टेढ़ा ले गए ऐसे, एस, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू एस कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ठीक है, एस कॉस थीटा, ठीक है, एस कॉस थीटा। अब एस कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल फोर्स तो तुम्हें पता चल गया 2 न्यूटन का ही, और डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा फिर से ही है, देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और एस कॉस थीटा की वैल्यू डी के बराबर ही हो जाएगी, डी की वैल्यू पहले कितनी आई थी 3, तो अभी भी वही आएगा 6 जूल का। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको टेढ़ा मेढ़ा भी ले जाए, कैसे भी ले जाए, तब भी वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट फिलहाल।